ये भागवत पुराण जो आप सात दिन के तीन दिन के उसके बारे में थोड़ा सा बहुत लोगों को नहीं पता होगा अगर आज हमें पता लग जाता है तो डेफिनेटली जहाँ भी होगा सात दिन तीन दिन निकाल सच में जया जी हाँ। बुला लो गोला लेके आ सकते बिल्कुल श्रीमद भागवत के लिए यही है कि जैसे वेद उपनिषद है पुराण है सब वेद व्यास जी ने जब बनाए थे तो सब में ज्ञान को बहुत महत्व दिया था तो जब कहते हैं कि हर ज्ञानी पुरुष चिंतन के लिए रोज बैठता है कि मुझे और नया क्या करना चाहिए और क्या अच्छा हो सकता है तो वो भी एक दिन बैठते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इतना कुछ लिखने के बाद भी पता नहीं मन शांत नहीं है ऐसा लग रहा है कुछ तो बाकी रह गया है और इतना लिखने के बाद भी कलयुग के जो जीव होंगे जो समय अभी चल रहा है इनका कुछ होना जाना नहीं है तो जब उनको ये महसूस हुआ कि उनका कुछ कल्याण नहीं होगा तो वो रोने लग गए कि क्या हो रहा है मुझसे फिर मैं कुछ लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ <laughs> तो तब भगवान ने नारद जी को भेजा था कि पूछ क्या, हो, क्या हुआ है, से रो क्यों रहे हैं तो उन्होंने बताया तो वो बोले नारद जी बोले ये ऐसा है क्योंकि आपने ज्ञान को महत्व दिया और ज्ञान तो कलयुग में कोई नहीं सुनेगा क्योंकि सब ज्ञानी है <laughs> आप आज के टाइम पे देखे किसी को एक ज्ञान बताइए वो चार और बताता है जी, जी, बिल्कुल, हम पीछे क्यों रहे तुम ज्ञानी तो हम डबल ज्ञानी तो बोले कोई सुनेगा ही नहीं तो फिर बोले फिर क्या लिखू तो बोले डिवोशन लिखो भक्ति ये सुनेंगे बहुत तो बोले डिवोशन में क्या लिखूँ तो बोले भगवान के कितने अवतार हैं चौबीस अवतार हैं बोले चौबीस के चौबीस लिखो क्या क्या हुआ सिर्फ लीलाएं बताओ तो एक्चुअली मोटिव है लीला क्यों बताई जाती है कि आपको किसी से प्यार कब होता है जब आप उसका स्वभाव समझते हैं क्योंकि बाहरी दिखावा का प्यार तो कुछ दिन का है वो खत्म भी बड़ी जल्दी होता है बिल्कुल बाद में प्यार आपको बिहेवियर से रह जाता है पर्सनालिटी से रह जाता है संस्कारों से रह जाता है माइंडसेट से रह जाता है कि सोचता कैसे है काम कैसे करता है तो भगवान से प्यार कब होगा भगवान को जानेंगे क्या किया कैसे किया क्यों किया किस सोच के साथ किया तो ये पूरा भागवत लिखा ही इसलिए तो अवतार है तो इसी में है महाभारत भी इसी में, भी इसी में भगवान के सारे अवतार है जितने विष्णु भगवान ने अवतार लिए वो सब एक साथ है सारी लीलाएं बताई गई है और इसलिए सात दिन की कथा चलती की है जिसमें चौबीस अवतार के बारे में हम आपको बताते और एक कथा कितने घंटे की होती है एक पूरी कथा सात दिन की होती है एक दिन में तीन साढ़े तीन घंटे की कथा होती आप बोलते हाँ जी। और लोग सुनते जी। कभी-कभी ऐसे बोल रहे हो, दूर देखिए दो तीन सो रही ऐसा होता है? होता। कभी, कभी है। मुझे आना है आपकी कथा में सच में मुझे आना है बिल्कुल प्लीज इधर मुंबई में कभी हो तो हमें तो तो जरूर बिकॉज वही बात है ना कि हमको बचपन से सुनते आ रहे, रहे तो sure तो यूथ बहुत आता है बच्चे बहुत आते हैं तो मैंने ये क्यों किया था जब मैं कथा सुनने जाती थी तो मुझे भी चीजें समझ नहीं आती थी तो जब मैंने कथा प्रिपेयर की थी तो मैंने एक ही बात बोली थी कि मेरी कथा इतनी सिंपल होनी चाहिए कि छह साल से लेकर साठ साल तक सबको समझ आए कोई भी ये ना बोले बोल क्या रही है तो वहाँ बच्चे भी आते हैं बच्चे भी समझ रहे हैं बच्चे भी सुन रहे हैं तो मैं कहती हूँ आप लाइए बच्चों को अपने और उनको अरे उनको पूरी बात नहीं समझ आएगी कुछ तो समझ आएगा कुछ नहीं भी समझाया इंटरेस्ट हो जागेगा कि मुझे समझना है चल क्या रहा है मम्मी इतना क्यों हंस रही है या पापा इतने क्यों सैड हो रहे हैं कि कई बार आप इमोशनल हो जाते हैं ऐसी ऐसी कथाएं होती है तो मुझे लगता है कि वो इंटरेस्ट जगा दो बच्चे में आप शुरुआत करोगे तभी तो होगा मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम सोचते हैं बच्चा समझदार हो जाए तब समझाएंगे समझदार के बाद तो आपको समझदार नहीं समझता सच <laughs> वो बोलेगा अब इनको समझ नहीं है मेरी दुनिया अलग इनकी दुनिया अलग है क्या मुझे समझा रहे हैं रिलेटेबल ही नहीं जी पर बच्चे तो आपको ही सब कुछ समझते कि आज अगर आप देखेंगे गोला जब बड़ा होगा हमारे तो बचपन यही था आज की जनरेशन हम सोचते थोड़ा तो वो चीजें आए पर हमारा जो कहते ना कि अपनी बात को सच साबित करने का एक लास्ट बोलते हैं क्या क्या कहते हैं उसको रामबाण या जो भी शब्द है लास्ट जो होता था है मम्मी कसम यार यार ऐसे आ, नहीं का यार। आ, 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 कसम ये का यार। क्या है आ, कि मतलब ये कोई झूठ नहीं कर सकता आ, ये हम हमें इतना था कि ये कैसे झूठ हो सकता है तो इंसान मान लेता था बच्चे सबसे ज्यादा या बच्चों का बात करते देखो तो बोझेंगे तुझे किसने बोला बोले मम्मी ने बोला सामने वाला क्वेश्चन ही नहीं करेगा फिर कि मम्मी पापा मतलब तो ओ, मतलब आप आप ये, ये नहीं बोल सकता अब ये झूठ नहीं बोल सकता लेकिन जैसे आप बड़े होते हैं ना तब तो अगर आप बोलो मम्मी पापा ने बुला रहे हैं उनको क्या पता है अरे उनको क्या पता वो तो खुद उधर है ऐसा हो जाता है ना तो उस वक्त संस्कार दो जब वो आपको ही हीरो समझता है ये सब जानते हैं हाँ जी अब फील होता है कभी कभी की जब हमने अपने माँ बाप को कुछ बोल दिया पेरेंट्स बोलते हैं ना माँ बनोगी तब पता आएगा बाप बनोगे तब पता चलेगा वो पता चलता है और आप एग्जैक्टली exactly वो ही बनते हैं जो आपकी मम्मी थी लेकिन फिर भी नाइनटी परसेंट आप अपने ही माँ बाप बनते हैं कि जैसे वो थे आप वैसे ही निकलोगे आप वैसे ही काम करोगे तो मुझे तो मैं अभी से कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी मम्मी जैसी होती जा रही हूँ और जो मेरी मम्मी अभी है मेरे पापा बोलते हैं कि वो तो इसी एज में है <laughs> तुम तो, <laughs> तो अभी शुरू में नहीं तुम मम्मी से ऐसी होती जा रही हम मुझे नहीं समझ आ रहा कि आज जिस लेवल में मेरी मम्मी भक्ति करती है पापा कहते हैं ये अभी से इतनी पागल हो जा रही है उतनी मालाएं कर रही है जो माँ कर रही है अरे अभी तो जिंदगी शादी वाली सब करनी है इसको <laughs> वो ही बनते हो See, तो मुझे ऐसा लगता है की पेरेंट्स ही निकलते हो आप अपने